हाँ जी, तो छोटी दिवाली का आज छोटी दिवाली है, 11 नवंबर 2023। सो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थोड़ा किस बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि हिंदू खतरे में क्यों है। इस बारे में आर्ग्यूमेंट तो नहीं है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू जिस जो रीज़न्स हमें बताए जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में किस वजह से है, वो एक्चुअल में रीज़न नहीं है। जो हिंदुओं का जो हिंदू जो खतरे में इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई बाहरी ताकतें उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर कोई बाहर के मज़हब जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू को ख़तरा जो है वो एक तरह से हिंदुओं से ही है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आम जो शहरों में रहने वाला हिंदू जो है वो एक तरह से प्रदूषित हो चुका है। जिस माहौल में वो रहता है, एक प्रदूषित माहौल में जैसे वो रहता है, उसी प्रकार उसकी सोच और उसके जो कल्चर है वो भी एक तरह से प्रदूषित हो चुकी है। और जो एक जनरल जो हिंदू है जो शहरों में रहता है, वो आज की डेट में टोटली कंफ्यूज्ड है बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड बिटवीन यू नो द कल्चर दे हैव बीन फॉलोइंग, एंसेस्ट्रल कल्चर दैट दे हैव बीन फॉलोइंग फॉर मेनी मेनी इयर्स। जो उनको जो क्या बोलते हैं कल्चर जो दिया गया है, जो उनके बाप दादा और उनके माँ बाप से जो आ रहा है उसमें, और जो जैसे वो मॉडर्न ज़िंदगी जी रहे हैं, उन दोनों में एक तरह से क्लैश है। वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसको फॉलो किया जाए, इसको फॉलो किया जाए, किसको फॉलो किया जाए, और इसी भेदभाव में वो टोटल जो है टोटली उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुका है। अगर आप मेरा एग्ज़ाम्पल लें तो मैं भी जो है एक हिंदू घर में मैं पैदा हुआ था या पैदा हुआ हूँ या पैदा हुआ था, तो एक तरह से मैं भी आप कह सकते हैं कि मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है वो थोड़ी अलग है। जैसे कि आज आपका अगर आप दिवाली का ही एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, तो कल जो है हमारी बड़ी दिवाली हुई, तो दिवाली जो है उसका एक्चुअली में नाम जो था वो दीपावली है, यानी कि हम अपने जो आसपास की जगहों में अपने घरों में जो है हम दीप जलाकर रोशनी को वो करेंगे, रोशनी फैलाएंगे दुनिया में। लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि रोशनी फैलाने का मतलब यह है कि हम जो हैं इस दीप की दीप जलाने से हम अपने जो ज़िंदगी के जो अंधकार हैं उसको दूर करके अपनी ज़िंदगी में जो है हम रोशनी लेकर आएंगे। बेसिकली इसका जो है सार तो यही निकलता है। लेकिन इसमें एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी ये है कि जब श्री राम जी अपना रावण को हरा कर जब वो वापस अपने देश आए, तो ऑब्वियसली पहले वो साउथ इंडिया की तरफ ही, उन्होंने श्रीलंका से आए होंगे तो साउथ इंडिया की तरफ ही पहला उन्होंने कदम रखा होगा। तो जनरल सी बात है कि उनको इनवाइट करने के लिए हर्षोल्लास से हमने जो है अपने घरों में दिए जलाए। ये भी हो सकता है कि उस टाइम अंधेरा हो और उनको रास्ता ना वो भटक ना जाए, इसलिए भी दिया जलाने की ये प्रथा शुरू हुई होगी। लेकिन ये तो मोटा मोटा मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन जो असली रीज़न यही है कि अपनी ज़िंदगी से हम जो है अंधकारों को हटाएं, जितनी भी हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं उसको, अंधकार को हम हटाएँ और अपनी ज़िंदगी को प्रज्वलित करें इन दीप के रोशनी से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो दीपावली है वो टोटली कैप्चर कर लिया है ये जो चाइनीज़ वाले लाइट्स हैं इन्होंने। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक आम हिंदू जो शहरों में रहता है वो एकदम लेज़ी हो चुका है, उसको इतनी भी वो नहीं है कि वो अपना शाम को दिया ख़रीद के लाएं, दिया को धोएं और उसके बाद उसमें तेल डालें और फिर उसको और तेल डाल के उसमें दिया जलाएँ, और फिर इतना उसमें क्या बोलते हैं इसमें पेशेंस नहीं है ये सब करने की। तो क्या करता है वो सिर्फ चाइनीज़ लाइट लेके आता है और वो अपने जहाँ पे प्लग पॉइंट लगा के एक स्विच ऑन कर देता है, उसका काम ख़त्म। सो अब
जब हमारा कल्चर ही इतना प्रदूषित हो चुका है तो फिर हम किस किस हिंदू कल्चर की हम बात करते हैं, ये मुझे अभी तक इसका ज्ञान नहीं है। दूसरी बात ये है कि दिवाली या हमारा जो भी कोई हिंदू का एक पर्व होता है, वो सारे पर्व एक तरह से नशे का स्रोत टाइप बन गए हैं। अगर आप होली ले लें, होली में भी लोग देखेंगे सड़कों में शराब पी रहे होते हैं, भांग पी रहे होते हैं, और ये पी रहे होते हैं, वो पी रहे होते हैं, और रेवलरी कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं। अगर आप दीपावली भी लेंगे तो उसमें भी ये जो है अपना रात को जुआ खेलते हैं और रात को फिर शराब भी पीते हैं। अपनी पूजा पाठ करने के बाद 8 बजे इनकी कोई लक्ष्मी पूजा होती होगी, लक्ष्मी पूजा होती है, उसके बाद ये अपना इनका शुरू पटाखे वटाखे जलाते हैं, उसके बाद ये शराब और फिर जुआ और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आई एम सो श्योर कि पुराने ज़माने में ये जो है ऐसी प्रथा तो हमारी नहीं थी कि हम उस दिन शराब पियेंगे और हम अपना जुआ खेलेंगे, क्योंकि ये तो एक तरह से एक रिलीजियस फेस्टिवल है, इन द सेंस कि हमें श्री राम को जो है याद करके वो बुराई को हरा कर जो अच्छाई का जो प्रतीक है, ये दीपावली भी एक तरह से वैसे ही पर्व है। तो इस पर्व में नशा करना और जुआ खेलना ये कहाँ तक सही है, ये तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पीपल को पूरा हक है वो क्या करना चाहें या क्या नहीं करना चाहें, तो अपने घरों में वो क्या करते हैं इसके बारे में किसी को बोलने का क्या हक है। लेकिन बट देन इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग अ सर्टेन फेस्टिवल विच हैज़ गॉट अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट टू इट, देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल ऑफ नॉट टू लाइक डिस्ट्रॉय और नॉट टू लाइक पोल्यूट द बेसिक फंडामेंटल्स एंड रूट्स ऑफ इट, राइट। और भी मेरी जो एक सैडनेस है वो ये है कि हम कभी भी किसी भी बड़े हिंदुओं के मंदिरों में जाते हैं तो एक तरह से वो जो हमारी सबसे जो इम्पॉर्टेंट और जो पायस जो शुद्ध जो जगह होती है उसको हम इतना गंदा क्यों करते हैं, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। चाहे वो हमारी नदियाँ हों, चाहे वो हमारे मंदिर हों, मैं अपने ही एक एक्सपीरियंस में आपको सुना सकता हूँ कि मैं वैसे मेरा बचपन जो है वो मैं पला बड़ा था काशी में, काशी बनारस में। मैं अपने ज़िंदगी के शुरुआती 10 साल मैंने वहीं बिताए, तो मेरे लिए जो काशी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि मैं एक तरह से गंगा छोरा गंगा किनारे वाला हूँ टिपिकली, यू नो। तो जब हम बहुत 10 साल के बाद जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए 1984 के बाद से 2020 तक मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं वापस काशी अपने घर में वापस जा सकूं। तो 2020 में जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, 1 हफ्ते 10 दिन लॉकडाउन के पहले हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जो है अपना फिर से एक बार काशी के दर्शन कर पाएँ, क्योंकि मुझे जो है अपने एंसेस्टर्स का जो है पिंड दान करने के लिए वहाँ जाना था, मुझे काशी जाना था, मुझे इलाहाबाद जाना था और मुझे अपना गया जाना था। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम अपना काशी के दर्शन फिर से कर पाएँ। तो जब हम काशी पहुँचे तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे किसी सेरेमोनियल इवेंट्स में जाते हैं तो आपको अपना जो है गंगा जी के यहाँ दर्शन करने पड़ते हैं और उन पे वहाँ पे नहाना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रथाएँ इसको हमने फॉलो किया। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था काशी में वो ये था कि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो तो जो घाटों में ही यूरिनेट कर रहे थे और मुझे तो ये बहुत ही अटपटा सा लगा और लोगों को इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। घाटों में आज के डेट में भी बहुत सारे जगहों में शौचालय नहीं है, तो पीपल जो लोग हैं वो ओपनली ही वहाँ पे जो है अपना यूरिनेट करते हैं घाटों के बगल में, जहाँ पे आपकी कहा जाता है कि गंगा जो है हिंदुओं की सबसे सबसे पावन नदी है। और किसी और अब फॉरेन कंट्री में लोगे तो वहाँ की नदियों में ऐसा कोई रिलीजियस उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे कल्चर में जो है हमारी नदियाँ जो हैं हमारे टेम्पल्स का एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम अपने मंदिरों में जो है हम जूते चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, यू नो, क्योंकि वो एक तरह से गलत माना जाता है। तो पहला तो ये था कि लोग वहाँ पे यूरिनेट कर रहे थे, दूसरा ये था कि जो हमारी जो गंगा जी हैं वो इतनी मैली हो चुकी हैं, मतलब ओवर बहुत सालों से ही वो काफ़ी मैली हैं।
अब 2023 में भी जो है वो इतनी ही मैली और इतनी ही गंदी हो चुकी हैं कि अब इसका कोई मतलब इसको मुझे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब हिंदुओं का जो इतना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उनकी नदियों के साथ, तो हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले सारा काम, दुनिया भर के जितने भी काम हैं वो सारे छोड़ के हमारे जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं उसको हम पहले ठीक करें, ठीक है। चाहे पुरानी सरकारें हों या नई सरकारें हों, उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए लेकिन बिल्कुल ही ये कारगर ये अपनी नदियों को और अपने मंदिरों को साफ़ करने में, बिल्कुल भी जो है स्वच्छ करने में बिल्कुल ही फेल हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं बहुत ही सैडनेस के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस को हटा भी दें तो जो नदियाँ होती हैं वो ही जो हैं एक सिविलाइजेशन की जो है रीढ़ की हड्डी होती हैं। जिस सिविलाइजेशन से नदियाँ चली गई वो सिविलाइजेशन का बचना नामुमकिन है, राइट। आप हरिद्वार का केस ले लो, आप ऋषिकेश का केस ले लो, आप रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं पे भी चले जाओ, जो हिंदू वहाँ के जो हैं, जो वहाँ पे तीर्थयात्री हैं, वो प्लास्टिक के सामान को यहाँ वहाँ हर जगह फेंक के जाते हैं। और ये किसी सभ्य समाज और किसी एनलाइटेंड समाज का तो हिस्सा नहीं हो सकता, जो लोग अपने ही जो रिलीजियस जो एरियाज़ हैं जिसको वो बहुत ही मानते हैं उसको, उसके आसपास वो इतनी गंदी गंदगी फैलाते हैं। तो मैं वापस आता हूँ अपने काशी विश्वनाथ में। तो हम काशी गए, हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, हमने काल भैरव के दर्शन किए। और एक चीज़ हमने मुझे वहाँ पे जो बिल्कुल ही खटकी वो ये बात थी कि वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के जो पांडा हैं या पंडित हैं वो एक तरह से आपको रैंसम में लेते हैं, कि इन द सेंस कि लाइक मैं वहाँ पे अपना जो है श्रद्धा से वहाँ पे आया हूँ, मेरी मर्ज़ी है कि मैं वहाँ पे पैसे चढ़ाऊँ नहीं पैसे चढ़ाऊँ, आपका कोई हक नहीं बनता है आप मुझे बोलने का कि आपको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे। और फिर आप मेरे को फिर अगर आपसे आपकी जो एक्सपेक्टेशन से अगर मैंने कम पैसे दिए तो आप मुझे ऐसे देखोगे कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं वहाँ पे अपने किसी एक माइंडसेट से गया हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल और भावुक स्टेट ऑफ माइंड में था। और वहाँ पे मैं गया में भी मुझे जो है ऐसे ही प्रताड़ित किया गया वहाँ के लोकल पंडितों ने, जैसे कि मैं कोई गुनहगार हूँ, जैसे मैं कोई चोर हूँ, मैं उनके गिरेबान में हाथ में डाल के उनके पैसे में निकाल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है, अनटिल अनलेस वहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष कोई आ जाए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पे विज़िट कर रहे होते तब तो वहाँ का जो कायाकल्प है आसपास के एरिया को अच्छी तरह सैनिटाइज़ कर देते हैं हर तरह से। लेकिन जब आम आदमी जब वहाँ पे जब जा रहा होता है तो उसको जो दृश्य दिखता है, और जब जो कोई बड़े पोस्ट का जो व्यक्ति वहाँ पे आता है उसको जो दृश्य दिखता है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये जो कुप्रथा हुई अपने ही नदियों के आसपास को गंद मचाना और अपने ही टेम्पल्स के आसपास टेम्पल के अंदर आसपास गंद मचाना, आप पूरी जगन्नाथ चले जाओ, पूरी जगन्नाथ के बाहर आप देखोगे तो हर उनके दीवारों के बाहर जो है आपको सिर्फ कूड़ा और कचरा ही मिलेगा। तो ये जो है क्षति जो हिंदुओं के जो मानसिक क्षति जो पहुँची है, ये इसका ज़िम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेवार क्या कोई बाहर का इंसान है? ये सोचने वाला एक विषय है। जो ये जो मानसिक क्षति जो हिंदू अपने जो तीर्थ स्थल है उनको पहुंचा रहा है, जो इस अपने तीर्थ स्थल को जिन्होंने टूरिस्ट एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है, वहाँ जाके जो है खान पान और मदिरा मांस और इस टाइप की चीज़ें जो चल रही हैं ये सब किसकी देन है? इसको कोई हिंदुओं को कोई अपने गले में हाथ डाल के उनको ज़बरदस्ती तो नहीं खिला रहा ना, वो ये सब चीज़ करते हैं, हर चीज़ को एक टूरिस्ट नज़र से देखना और हर जगह और जस्ट बिकॉज उन्होंने वहाँ पैसे खर्च किए हैं इसका मतलब यह है कि वो वहाँ उनको हक बन जाते हैं कि वो हर जगह जाके गंदगी फैलाएँ और कूड़ा फैलाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है सोचकर बहुत ही पीड़ा होती है एक तरह से, कि मतलब हम किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रही है, कोई हमें सही ज्ञान देने वाला नहीं है आज की डेट में। तो ये एक तरह से सैड पार्ट है बीइंग बॉर्न इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड दूसरी बात ये है कि हमारा जो धर्म है वो बेसिकली एक धर्म है रिलीजियसनेस का, लाइक आत्मबोध का,
राइट। लेकिन हमने भी उसको एक तरह से आडंबर टाइप का ही बना दी है कि जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में भगवान के सर पे हीरे और सोने और जवाहरात और इस टाइप की चीज़ें ही चढ़ी होती हैं, जबकि मंदिर बनाने का मतलब ये नहीं था। मंदिर बनाने का सही जो तात्पर्य ये था कि वो आपको आपकी जो है आत्मबोध से संपर्क कराएं, और जो मूर्तियां हैं वो एक तरह से सिंबॉलिक है कि आप मटेरियल को छोड़िए और एसेंस में आइए, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है आडंबर में हम सिर्फ मूर्तियों के दर्शन करते हैं, मूर्तियों की आराधना करते हैं, मूर्तियों की अभिषेक करते हैं और मूर्तियों के ऊपर जो है साड़ियाँ चढ़ाते हैं और अपना सोने हीरे जवाहरात मुकुट ये सब चढ़ाते हैं। लेकिन जो मेन क्रक्स ऑफ द रिलीज जो सीख थी जो हमें हिंदू धर्म में सिखाती है वो ये है कि आत्मबोध करिए, मोक्ष की तरफ जाइए। ये सब हम इसकी बातें क्यों करते हैं, पूरी जद्दोजहद ये रहती है कि हम मटेरियल को जो मटेरियल है उसका एक हिसाब से एक तरह से एक सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन वही ज़िंदगी नहीं होती है। ये हिंदू कल्चर जो है हमें सिखाता है, समझ रहे हो आप, कि जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म एक तरह से कह सकते हैं कि मटेरियलिज्म इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट एज फार एज इट कैन टेक यू, बट इट्स नॉट दी एंड्स, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो हमने त्याग दिया है, और भी जो है हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों के आसपास भी आप देखोगे तो सिर्फ जो है खान पान में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मंदिरों के अंदर भी आप अगर इसको लेके जाओगे तो दुनिया भर की चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ ही हम उनको अर्पित करते हैं, और वहाँ पे जाके हम कुछ मांग रहे होते हैं कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कल्याण कर दो, हमें नौकरी दिला दो। लेकिन मंदिर इसके लिए नहीं बने, मंदिर इसलिए बने हैं ताकि वहाँ पे आप जाके थोड़ा अपने आसपास की चीज़ों को भुलाकर वहाँ पे अपने एकम होकर उसमें मेडिटेट करें, वहाँ पे चुपचाप बैठें, क्वाइट बैठें। वहाँ पे भी जाके आपने चीख चिल्लाहट करनी है और स्लोगनबाजी करनी है तो फिर इन सब नाटक और आडंबर में जो है हमारा जो मेन हिंदू कल्चर है वो कहीं दब सा गया है, कहीं खोसा गया है, कहीं दूषित सा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि स्लोगनबाजी और शोर शराबा और ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और सही जो हिंदुइज्म का जो सही एसेंस है उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। तो ये जो हमारे कुछ मित्र हैं जो हमारी बातें सुन के यहाँ पे आ गए हैं, उनको शायद लग रहा होगा कि हम जो कह रहे हैं वो थोड़ा ठीक बात होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, चिल करिए, कोई इसको टेंशन लेने की बात नहीं, आप चिल करिए और इसके बारे में आप आत्मबोध करिए। सोचिए कि भैया ये जो कल्चर है जो इसको हम इतना 10 साल पुराना या 15 साल पुराना या 15,000 साल या 20,000 साल पुराना जो भी हम कहते हैं, उसका जो एसेंस है वो क्या है, सार रूट्स जो है वो क्या है। तो हिंदुओं से यही गुजारिश है कि आप इट्स हाई टाइम अपने हम प्रायोरिटीज़ को पहले समझें। हमारी प्रायोरिटी हमारी नदियाँ हैं, और आलस को त्याग दें। जैसे कि कभी कभी बीच बीच में से कोई उठ के आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जो है इस हिंदुस्तान की नदियों को ठीक करूँगा, बस आपको ये करना है कि आप बस मुझे एक मिस कॉल कर लीजिए और आपका काम ख़त्म। तो इस जो आलसपन में ये जो लेज़ीनेस जो एक हिंदुओं में आ चुकी है कि एक मिस कॉल करने से आपकी नदियाँ साफ नहीं होने वाली है, आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा, अपने ज़िंदगी के महीने और साल और दिन देने पड़ेंगे इसको स्वच्छ बनाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। ये मिस्ड कॉल देना और एक SMS डालना, इससे अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपकी जो नदियां हैं, आपके जो मंदिर हैं, आपका जो चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली मिस्ड कॉल कर देने से ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। लेकिन ये टॉपिक भी जो है वो इतना ये मैं ब्रीफ आपको कह रहा हूँ, ये कि छोटे टाइम में मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से इसमें आधा घंटा निकल गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये आधे घंटे और एक घंटे में करने वाली बहस नहीं है, इसको तो दिन और साल और पता नहीं कितने 100 साल लग जाएंगे फिर भी ये जो है बातें जो हैं कम होंगी। सो बेसिकली जो है हमें जो है बाहरी तत्व जो बोल रहे हैं, बाहरी तत्व भारत तत्व ये नहीं, ये जो हिंदू का दुश्मन है वो हिंदू है। क्योंकि अगर आप महाभारत की एक तरह से लड़ाई देखेंगे तो वो एक हिंदू और हिंदुओं के बीच में हुई थी, उसमें कोई तीसरी एक जो दूसरी और तीसरी रिलीजन का कोई उसमें सवाल नहीं उठता है। अगर आप रामायण की भी लड़ाई देखेंगे तो वो एक तरह से
हिंदू और हिंदू के बीच में ही हुई थी। हाँ, मतलब अगर आप हिंदू हिंदू नहीं बोलना चाहते तो एक एक धर्म को, एक भगवान को मानने वाले भी आप कह सकते हो इन वे। और अगर आप अपना कलिंग, जो मॉडर्न मॉडर्न एक तरह से मेडिवल मॉडर्न, एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जो उसमें भी जो लड़ाई कलिंग की जो लड़ाई थी वो भी एक हिंदुओं और हिंदुओं के बीच में ही हुई थी, जिसमें नरसंहार एक हिंदू ने दूसरे हिंदू पर ही किया था। तो अपनी हिस्ट्री को आप जानिए, ठीक है, और लोगों के बहकावे में मत आइए। और आपका अपना समझ है, आपकी अपनी सोच है, हम सब जो हैं इसी हिमालय की साइड में पैदा हुए हैं, तो हम सब में जो है ऑटोमेटिकली एक तरह का जो है विशेष ज्ञान जो है ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, यूँ ये जो ऊपर से कैरी ऑन करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आप अपने पावन नदियों के स्थलों में जाते हैं, अपने किसी रिलीजियस स्थलों में जाते हैं, तो वहाँ पे उसका डेकोरम जो है उसको मेंटेन करके रखिए, वहाँ पे प्रदूषण ना फैलाइए, वहाँ पे मतलब ध्वनि प्रदूषण भी और वैसे ये प्लास्टिक वाला प्रदूषण भी, दोनों ही किसी भी प्रकार का प्रदूषण मत फैलाइए। वो चीज़ें जो इतनी दूर और पहाड़ों में किसी रीज़न से बनाई गई थी, इसीलिए रीज़न से बनाई गई थी कि, तो वहाँ पे जो है आप अपने जो शहरों के जो गंध हैं वो शहरों में छोड़ के आएँ, और यहाँ पे जो है अपने आत्मबोध की तरफ आप ध्यान दें। इनर सेल्फ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनर सेल्फ, जो कि आपका जो नया असली जो आप हो, ये जो बाहर जो है जिसमें हमने जो नए कपड़े पहनते हैं और ये जो सारी चीज़ें हम जो करते हैं अपनी बॉडी को हम खुश करने के लिए करते हैं, जो भी प्रेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें जो है ये आपको अपने को ही आप एक तरह से खुश करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें जो है स्पिरिचुअलिज्म का कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म का लेना देना तब आएगा जब आप बाहर बॉडी को खुश करने के आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक हमारे जो गुरु थे उन्होंने बोला था कि संभोग से समाधि तक, है ना, पहले आप संभोग की जो स्थिति है इसको छोड़ेंगे तभी आप समाधि की तरफ आप पहला कदम ले पाएंगे। समाधि पे जाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ की तरफ पहला कदम बढ़ाना ही एक सबसे बड़ा जो है टास्क है। तो अभी हम जो है बॉडी का मतलब होता है संभोग, इसीलिए अगर हम बॉडी को खुश कर रहे हैं तो हम एक तरह से एक सेक्सुअल मटेरियलिज्म की तरफ हम में उसमें एक तरह से जानवर की जो ज़िंदगी है उस तरह वो ज़िंदगी हम अभी तक जी रहे हैं, क्योंकि बॉडी की ज़िंदगी होती है। तो अब जानवरों से ऊपर उठ के थोड़ा इंसानों की तरफ बनने की एक पहला कदम हम लेते हैं। और हाँ, तो मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो है ये मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बताया था, जो भी मैं हिंदू स्थलों में मैं गया हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब करके और ये सब झेल कर। एक तरह से आपका जो पूरी जो जिस भावना से आप वहाँ गए थे उसकी एक तरह से कत्ल कर दिया गया था, उसका मर्डर हो गया था। तो होपफुली ये अगर वीडियो लोग देखेंगे तो वो खुद ही समझेंगे कि मैं जो हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंसान अपना दुश्मन पहले सबसे पहले खुद होता है, तो बाहरी दुश्मन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक मिथ है, ठीक है। अगर आप जब तक आप अपने आप को क्षति नहीं पहुँचाओगे तब तक कोई भी आपको क्षति नहीं पहुँचा सकता, ये एक बेसिक जो है आप कह सकते हो एक तरह से वर्ड है जो कि हमें सिखाया गया है कि आप जो हो आपकी अपनी बुद्धि से हो। अगर आपकी बुद्धि कहती है कि आप दूषित हो चुके हो तो आप दूषित हो, अगर आपकी बुद्धि कहती है तो आप दूषित नहीं हो तो हम दूषित नहीं हो। तो हमारे कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं जो कि जिनको हम बहुत ही एक तरह एक टाइम पर बहुत ही बुरा इंसान मानते थे, लेकिन उन्होंने अपना कायाकल्प कर लिया और वो आज के डेट में एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं हमारे लिए। जो ये हमारे पूर्वज इस टाइप से आए, हमारे ऋषि और मुनि और जो भी थे हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, इतनी सारी चीज़ें बोली, इन सब का यही मतलब, उनका सबका यही सार निकलता है कि आप ही अपने दुश्मन हो, आप ही अपने सबसे वर्स्ट एनिमी हो और आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त भी हो, तो ये आप मित्र हो। तो आपको बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप अपना दुश्मन बनना चाहते हैं कि आप अपना सबसे प्रिय मित्र बनना चाहते हैं। तो यही इसी बात पे मैं आज अपना ये टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। ये बहुत ही ब्रीफ टॉपिक था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल गया हूँगा और बहुत सारी चीज़ें जिसको मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है। तो ये सब ब्रीफ है, इसमें आप इसको समझिए और इसमें
इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं हम सारे, मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करते हैं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, इंसान को किसी रिलीजन या किसी सेक्ट या किसी कास्ट से नहीं जोड़ते हैं, तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं और आपस में जो है प्रेम से रहते हैं। तो आज की मेरी छोटी जो थी या तो मैं हाँ तो ये करीब 25 मिनट का ये वीडियो हो गया, तो आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप हियर। और मैं पार्क आया था तो मैं अपनी अब कसरत करना शुरू करता हूँ। आज की कसरत हम शुरू करते हैं, भागेंगे और थोड़ा सब माइंड वाइंड क्लियर करेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट एंड वील मीट सून इन अनदर वीडियो। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वी ऑल वन। थैंक यू, सी यू सून।